महापौर सीताराम जायसवाल ने रविवार को राजघाट स्थित आधुनिक अंत्येष्टि स्थल का निरीक्षण किया गया, जहां पर गैस एवं लकड़ी दोनों विधियों से शीघ्र दाह संस्कार करने हेतु बनाए गए आधुनिक अंत्येष्टि स्थल के संबंध में जानकारी हासिल की। इस दौरान महापौर सीताराम जायसवाल ने अंत्येष्टि स्थल के आसपास पेड़ पौधे आदि लगाकर ग्रीन जोन बनाने तथा अंत्येष्टि स्थल पर जाने के मुख्य मार्ग से पूर्व साइड में भूमि से अवैध कब्जे हटाकर वृहद पार्किंग का निर्माण कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि महानगरवासियों के सहयोग से आदमकद भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना की जाएगी, साथ ही दाह संस्कार में आने वाले व्यक्तियों को बैठने के लिए सीमेंटेड सीट बेंच भी बनवाया जाएगा। महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि आधुनिक मशीन से शवदाह कराने का जो धुआं निकलता है उसी मशीन के द्वारा पानी बना दिया जाता है और विधि से कम धनराशि में दाह संस्कार भी हो जाता है, जिसका लाभ उनके परिजनों को मिलेगा, साथ ही पर्यावरण को दूषित होने से भी बचाया जा सकेगा। महापौर द्वारा अंत्येष्टि स्थल का संचालन करने वाले संस्था के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो भी छोटे मोटे कार्य बचे हैं उनको दिनांक 15 दिसंबर तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करा लें, साथ ही गैस प्रवाह करने वाले पाइपों का संबंधित संस्था से जाँच कराकर सही होने का सर्टिफिकेट प्राप्त करें। शवदाह कराने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने पाए। उन्होंने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री से वार्ता कर अंत्येष्टि स्थल का लोकार्पण कराया जाएगा। इस अवसर पर उपसभापति अजय राय, मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र सहायक, अभियंता SB तिवारी, दिग्विजय शुक्ला सहित अन्य संबंधित अवर अभियंता एवं अंत्येष्टि स्थल का संचालन करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी व अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गौरवपुर्णी से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, हम लोग नेक्शन करने आए हैं, पूरी गंदगी तो भरी है। प्रेशर की वजह से 10 सिलेंडर से एक साथ गैस इसका फंक्शन सही है कि नहीं है, मानक के हिसाब से लाइन है कि नहीं है। अच्छा सर, वो तो बिल्कुल आप सर, ये बिल्कुल हिसाब से ही है जो हमारे को वहाँ तक हमारे बर्नर को जो चाहिए। लोकल लगवाए होंगे? नहीं नहीं सर, हमारे दिल्ली से आए थे लोग, हमारी टीम है जो बर्नर की 20 साल से काम हमको स्टैंडर्ड नहीं लग रहा है सर। ये एक्चुअली हम ये जो पाइप है वो नहीं कर रहे हैं, ये जो पाइप आप लगाए हो सर वो तो हमारा ये है ना साइड रिस्की होता है। सर ये सिलेंडर भी अभी BOT सिलेंडर आ रही है, ये सिलेंडर चेंज हो गया। चीफ साहब जी सर, ये देखिए एक फिक्स किया है, ऐसे मूव कर रहा है इसको एकदम, इसको इस दीवार के साथ फिट कर देंगे। एक ऑप्शन हमने अभी डाला है अगली का, लेकिन कब कल के लिए बोलना और ये है ट्रायल, ये उस दिन ट्रायल किया था दिवाली से एक दिन पहले, तीनों जगह सर। इसका ना हम थोड़ा सा टाइट वैसे इसलिए रखते हैं क्योंकि ये जब खींचते हैं ना तो जब बाहर निकाल लेते गर्म करने उसके बाद तो कोई जल्दी खींच लेता है, कभी कभी थोड़ी जान लगा लें पर रिस्क ही ना हो किसी के लिए। सबसे बड़ी बात है सर इसमें 3 लेयर इंसुलेशन है अंदर, तो फायर का ना हम इस पर हाथ लगा के खड़े होंगे तो कोई गर्मी नहीं आएगी। सर इस पर हमने क्या चीज़ दी है कि जो अभी तक गैस में क्या होता था कि लोग ना बॉडी को ना अंदर थ्रो करते थे और ट्रॉली बाहर ले आते थे, तो
तो उसमें रिचुअल किसी का होता ही नहीं था। अब इसमें क्या, यहाँ पे रखकर वो अपना जो करना है कर सकते हैं, फिर इसी को बॉडी के साथ अंदर डाल दें बाहर लाने के लिए। ये सारी लाइट चल रही है ना? ये हाँ जी सर, सर जलवाइए गोरखनाथ और जो बिल्डिंग बड़ी है इधर राजघाट की तरफ जो है, तो वही बेहतर रहेगा, ना गलेगा तो होती है, मतलब कमर भी यूज हो जाएगा ना क्या मतलब। सर ये लेकिन ऊपर ये सर ने ठीक कहा कि ब्रिक्स बना के रख लेते हैं, जैसे टूटा बड़ा बड़ा दूर से दिखाई। देखिए अंत्येष्टि स्थल गोरखपुर में बना है, यह अंत्येष्टि स्थल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अंत्येष्टि करने में सहूलियत दे सके, उसके लिए हमारे टीम यहाँ पर आई हुई है। जिस कंपनी ने लगाया है उसके साथ हम लोगों ने बैठ करके बातें की है। हमारे उपसभापति अजय राय जी भी हैं, चीफ इंजीनियर सुरेश जी हैं, हमारे और भी इंजीनियर लोग हैं यहाँ पर, और कंपनी है यहाँ पर जिसने लगाया है, और हमारे दुर्गेश जी हैं यहाँ पर। तो हम लोग ये राय मशवरा कर रहे हैं कि इसका लुक बढ़िया हो, और जो आवे यहाँ पर अंत्येष्टि करने उसको पता चले कि हम अच्छे जगह पर हैं, और यहाँ पर ग्रीन बेल्ट बनाया जाए। हमने अभी अपने सुरेश जी को दिया है, कहा है कि नीचे में इसको ग्रीन फॉरेस्ट के रूप में डेवलप किया जाए, और सड़क जो सिक्स लेन बन रही है उसके नीचे हमारे पास जगह है, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की जाए, और नीचे अंत्येष्टि स्थल के नीचे जो जगह खाली है अंडरग्राउंड में, उसमें बेहतर से बेहतर हम लोग चाहते हैं पार्किंग की व्यवस्था हो, कि कोई भी आवे तो उसको इस अंत्येष्टि स्थल की अच्छी उसको अच्छा लगे और इल फील ना करे। अंत्येष्टि स्थल जहाँ बना है, जहाँ पर लोग सौदा अपने परिजन को अंत्येष्टि करेंगे, उसके चारों तरफ बैठने के लिए लोगों की डिमांड है कि वहाँ पर कुर्सियाँ लगाई जाए। तो हमने अभी अपने अधिकारियों को बोला है कि वहाँ पर पत्थर की चारों तरफ से बेंच बनवा दें, जो लोग आवें आराम से बैठ सकें और अपनी अंत्येष्टि को कर सकें। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सारी जो कमियां है हम लोगों ने नोट कर लिया है, और इस पर आगे कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। कुछ मशीनें भी लगी हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ गैस मशीन लगी हुई है, गैस फायर, एक सिलेंडर गैस से एक डेड बॉडी डिस्पोज हो जाएगी। एक सिलेंडर की जो कीमत आएगी वही उसी से हम लोग उसको जला लेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी लवारिस डेड बॉडी मिले, हम लोग उसकी अपनी व्यवस्था से यहाँ के लोगों से सहयोग लेकर के उसको पूरी तरह से डिस्पोज करने की भी व्यवस्था करेंगे। मूर्ति स्थापना भी प्रस्तावित है यहाँ पे? अब यहाँ पर लोगों की मांग थी कि गोरखपुर की पहचान बाबा गोरखनाथ से है, तो एक यहाँ पर भगवान शिव की
जो सबका उद्धार करते हैं, वो इस सृष्टि के देवता हैं। तो गोरखपुर में लगनी चाहिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने चीफ इंजीनियर को निर्देशित किया है कि आप एक इस पिलर का लोड देखिए और कितनी बड़ी हम मूर्ति लगा सकते हैं और रिपोर्ट देंगे। तो इसी हिसाब से हम लोग जनता के सहयोग से इस काम को करेंगे।